के 25 साल पूरे होने के अवसर पर इस रजत जयंती समारोह की मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल आदरणीय अनुसुईया उइके जी, प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी और अभी जब हम राज्यपाल जी के कक्ष में बैठे थे तो चर्चा हो रही थी कि हिमांशु जी अगर आप सप्ताह में एक बार एक घंटे के लिए आते रहोगे तो हम सब स्वस्थ रहेंगे, आप साथ रहोगे। ऐसे हिमांशु द्विवेदी जी और मुझे याद नहीं आता कि दिगंबर जी का कोई कार्यक्रम रहा हो तो मैं उपस्थित नहीं हुआ हूं। मुझे लगता है शायद पहले साल वाले कार्यक्रम में भी था और राजभवन के कार्यक्रम में भी। क्योंकि हम सब लोगों ने वही जी को भी देखा है, जनरल जी को भी देखा है और मैंने तो नियमन के साथ साथ वही जी और जनरल जी का भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी उपयोग किया है चुनाव में। क्योंकि इस विधा के बारे में ये एक ऐसी विधा है जैसा जनरल जी ने कहा कि अनायास हर किसी के चेहरे पर कार्टून देखकर मुस्कान आ जाती, लेखनी तो बहुत बड़ा भक्ता भी पैदा करती है परंतु ऐसी विधा के अगर मालिक ने उसको प्रोत्साहन करने का काम किसी ने किया तो केवल जी ने किया। और निश्चित रूप से ये कठिन काम है कि 25 साल तक इस प्रकार की पत्रिका को बनाना, या बार बार टीएसटीएस बोल रहे थे तो निश्चित रूप से आप ही परिचित होंगे। ये 25 साल के अवसर पर मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई है। मैं इस बात को उम्मीद करता हूं कि इस विधा को बच्चे तो टीवी में कार्टून के पीछे पागल रहते हैं परंतु वो कार्टून की विधा अलग है और आप जिस विधा में काम कर रहे हैं वो विधा अलग है। मैं इस बात को उम्मीद करता हूं कि आपकी विधा और आपने आज दो कार्टूनिस्ट का और एक गाइड करने वाले आर्टिस्ट का आपने सम्मान किया है, तीनों को भी मैं बधाई देता हूं और जितने रायपुर के सुधी लोग उपस्थित हैं उनको भी सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब कार्टून वाच के कार्यक्रम में आए हैं। हम सब इस बात की कोशिश करेंगे कि हमको कभी कार्टून बनना नहीं पड़े, हम लोगों को कार्टून बनाएंगे, ज्यादा अच्छा होगा। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, किरण को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, धन्यवाद।